हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू फार्मा इन्फॉर्मेंट। आज तक हम लोग बात कर रहे थे कि फार्मेसी क्या है, इसके आगे स्कोप क्या है, कैसे अच्छा करना है, क्या ये सब बातें अब हो चुकी हैं। आज से हम शुरू करेंगे हर रोज़ एक टॉपिक जो कि आपके जीपैट एग्ज़ाम के लिए और इंडस्ट्री के इंटरव्यू को फेस करने के लिए दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि आप एक पेन और एक कॉपी अपने साथ में रख लीजिए, क्योंकि आज मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ वो आपके जीपैट के लिए और इंडस्ट्री के इंटरव्यू के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हर रोज़ मैं एक टॉपिक डिस्कस करूँगा और उस टॉपिक के बाद मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ दूँगा। अगर आपको उनके आंसर्स आते हैं तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर्स टाइप कर सकते हैं, जिससे कि वो आंसर्स दूसरे लोग भी पढ़ें और उनको भी बेनिफिट्स मिले। अगर आपको आंसर्स नहीं पता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि आप आंसर्स जानना चाहते हैं, मैं अगले वीडियो में आपके साथ आंसर्स डिस्कस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फ्रायबिलिटी। फ्रायबिलिटी एक टैबलेट एवेल्युएशन पैरामीटर है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, जो फार्मेसी थर्ड ईयर पढ़ चुके होंगे वो इसके बारे में जानते भी होंगे, उन्होंने लैब में देखा भी होगा। जो लेबोरेटरी में फ्रायबिलिटी अपरेटस जो यूज होता है वो रोशे फ्रायबिलिटी अपरेटस यूज होता है। अगर आप किसी नॉन टेक्निकल बंदे से पूछेंगे यार फ्रायबिलिटी बताओ यार क्या होता है, तो वो उसे ब्रेक कर सकता है। नॉन टेक्निकल मतलब कि नॉन फार्मेसी वाला बंदा अगर होगा और उससे आप पूछेंगे यार फ्रायबिलिटी क्या होता है, तो बहुत देर तक सोचेगा यार क्या होता है फ्रायबिलिटी, और फिर आपको बोलेगा यार हो सकता है ना फ्रायबिलिटी वो होता होगा अगर किसी के अंदर फ्राई कर देने की एबिलिटी हो तो उसे फ्रायबिलिटी कहते होंगे। ये तो नॉन टेक्निकल बंदा बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे। अगर आप फार्मेसी पढ़े हुए हैं तो आप फ्रायबिलिटी की डेफिनेशन मत देना, है ना, ये उन लोगों के लिए छोड़ दो जो फार्मेसी नहीं पढ़े हैं, उनको कुछ भी बोलने दो, फ्राई कर देने की एबिलिटी फ्रायबिलिटी, ठीक है। तो ले लिया आपने कॉपी पेन? अच्छा, तो आप आराम से ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट करते जाइएगा। मैं आपसे आज पूछूँगा बहुत सारी चीज़ें, आपको बताऊँगा भी बहुत सारी चीज़ें, एंड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी छोड़ दूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, फ्रायबिलिटी होती क्या है। फ्रायबिलिटी एक तरह का मेज़रमेंट है टैबलेट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। होता क्या है कि जब टैबलेट का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो टैबलेट को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या कंप्रेशन के बाद जब टैबलेट कोटिंग में जाती है, कोटिंग में उसका आरपीएम पेन आरपीएम में वो रोटेट करती है और इधर से उधर उसे ले जाते हैं, टैबलेट को नीचे ले जा रहे हैं, पैकेजिंग में जा रही है, इधर उधर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो कितने स्ट्रेंथ तक प्रेशर झेल सकता है, कितने तक वो मतलब ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग, फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, या इधर एक दूसरे में टकराने के अकॉर्डिंग उसमें से कितना लॉस हो सकता है। हम इसकी यही एबिलिटी चेक करते हैं फ्रायबिलिटी के अंदर। अब आप एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि अगर अगर हमें टैबलेट की स्ट्रेंथ अच्छी करनी है तो हम उसे क्यों ना ज़्यादा हार्डनेस प्रोवाइड कर दें या ज़्यादा कंप्रेस्ड कर दें, और वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली हो जाएगी, बट हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या कारण है अगर आप जानते हैं, हम टैबलेट को ज़रूरत से ज़्यादा कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते, आपको अगर इसके बारे में पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। मुझे लगता है कॉलेज वाले नहीं जानते होंगे, लेकिन जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम टैबलेट को ज़्यादा हार्डनेस क्यों नहीं दे सकते। अगर आपको पता है तो आप टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, जो कि बाकी लोगों को पता चले। अगर आपको नहीं पता है तो आप पूछिए कि क्यों नहीं कर सकते, मैं इसका आंसर आपको कल दूंगा। तो आगे चलते हैं, फ्रायबिलिटी होती क्या है ये हमने जान लिया। अब आता है कि फ्रायबिलिटी हम चेक कैसे करते हैं।
हम कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसे चेक करते हैं। फ्रायबिलिटी चेक करने के लिए जो इंडस्ट्री में जो यूज होता है वो फ्रायबिलेटर, रोशे फ्रायबिलेटर लेबोरेटरी में यूज होता है। बहुत सारी कंपनी फ्रायबिलेटर बनाती हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रोलैब एक मेजर कंपनी है जो कि फ्रायबिलेटर बनाती है। फ्रायबिलेटर के बारे में हम आपको बताएं तो फ्रायबिलेटर फ्रायबिलेटर जो होता है उसमें एक व्हील होता है जो कि पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर का बना होता है। वो व्हील हमारा, सिंथेटिक पॉलीमर का व्हील जो होता है वो हमारा 25 RPM पर रोटेट करता है। 25 RPM पे अगर वो रोटेट रोटेट करता है और हम टैबलेट की फैबिलिटी चेक करने के लिए उसे 100 रेवोल्यूशन तक रोटेट कराते हैं, अगर वो 25 RPM पर रोटेट करता है और 100 रेवोल्यूशन तक हम रोटेट कराते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर 25 RPM पर वो रोटेट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 25 RPM है और हमें 100 रोटेशन टैबलेट को देना है, तो आप मुझे बताएंगे कि टाइम 100 रेवोल्यूशन पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपको पता है कि कितना टाइम लगेगा तो आप टाइम आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए कि कितना, अगर 25 RPM पर रोटेट कर रहा है अगर जो है फ्रायबिलेटर का व्हील, तो 100 रेवोल्यूशन पूरा करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो आप उसे टाइप कर सकते हैं। अब ये बात आ गई हमारी कि टैबलेट हम चेक कर लिए, अब ये आता है कि हम कितनी टैबलेट लें, हम कितनी टैबलेट लें, मतलब चेक करने के लिए हम कितनी टैबलेट लें। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया सेट किया गया है वो ये है कि अगर हमारी टैबलेट 650 mg के इक्वल और उससे लेस है, ध्यान से सुनना, दोबारा सुनना, अगर हमारी टैबलेट 650 mg से बराबर या उससे कम है तो हम उतनी टैबलेट लेंगे कि हमारा वेट 6.5 ग्राम हो जाए। मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, अगर हमारी टैबलेट 650 mg यानी कि 650 mg के बराबर या उससे कम है तो हम 6.5 ग्राम वेट लेंगे। हमारी जितनी भी टैबलेट 6.5 ग्राम में आएगी हम उसे चेक करने के लिए लेंगे। अगर हमारी टैबलेट का वेट 650 mg से ज़्यादा है, मतलब 650 mg से अगर टैबलेट का वेट ज़्यादा है तो हम सीधा सीधा 10 टैबलेट्स ले लेंगे। ये दोनों क्राइटेरिया बहुत ध्यान से सुनना और याद रखना, क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि अगर हमारी टैबलेट 650 mg या कोई भी, मतलब आपको वो दे दिया जाएगा कि स्ट्रेंथ कोई भी दे दी जाएगी कि 250 mg है, अगर हमारी टैबलेट की स्ट्रेंथ 250 mg है तो हम कितनी टैबलेट लेंगे फ्रैबिलिटी चेक करने के लिए, है ना। तो हमने बोला कि जैसा कि 650 mg के बराबर या उससे कम है तो हम 6.5 ग्राम के इक्वलेंट लेंगे, तो 250 mg अगर है तो हम इतनी टैबलेट लेंगे कि 6.5 ग्राम हो जाए। ओके, अगर 650 mg से ऊपर है, अगर 700 800 कुछ भी होगा तो हम सीधा सीधा 10 टैबलेट्स ले लेंगे। अब बात यह आती है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कितना होता है, मतलब कि कितने पर फ्रायबिलिटी टेस्ट पास होता है और कितने पर फेल हो जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है जिसको आपको याद रखना है, नॉट मोर देन 1%, नॉट मोर देन 1% ऑफ इनिशियल वेट ऑफ टैबलेट। अगर आपकी टैबलेट का फ्रायबिलिटी होने के बाद अगर उसमें से जो लॉस हो रहा है, लॉस ऑन फ्रायबिलिटी शुड नॉट बी मोर देन 1% ऑफ इनिशियल वेट। अगर हमारी फ्रायबिलिटी के टेस्टिंग के दौरान जो लॉस होता है वो इनिशियल वेट से 1% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 1% से लेस ही रहना चाहिए हमेशा। तो
का परसेंटेज फ्रायबिलिटी कैसे निकालते हैं। परसेंटेज फ्रायबिलिटी निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100, मतलब जितना हमने वेट लिया था उसमें से फाइनल वेट हमने माइनस किया, डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट इंटू 100, ये हमारी परसेंटेज फ्रायबिलिटी निकल जाती है। तो ये सारी बातें आपने जान ली जो कि प्रायबिलिटी के बारे में थी, ठीक है। अगर आपने प्रायबिलिटी अपरेटस देखा नहीं है तो आप लैब में देख सकते हैं प्रायबिलिटी अपरेटस, मैं भी आपको दिखा सकता हूँ प्रायबिलिटी अपरेटस, जो कि मेरे पास एक बुक है जिसमें प्रायबिलिटी अपरेटस दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये हमारा प्रायबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये हमारा फ्रायबिलिटी अपरेटस है। जो आप इसमें जो व्हील देख रहे हैं वो व्हील हमारे टैबलेट को होल्ड करने के लिए और रोटेट करने के लिए यूज होता है। और इस व्हील को हम 25 RPM पर रोटेट कराते हैं, 100 रिवोल्यूशन तक रोटेट करते हैं। और जो टैबलेट हमारी जो फॉल होती है वो हमारी 6 इंचेस तक होती है। इसका मतलब आप मुझे ये बताएंगे कि इसका डायमीटर कितना होता होगा। अगर टैबलेट हमारी 6 इंच पर फेल हो रही है तो इस व्हील का डायमीटर कितना होता होगा। इस व्हील पर ध्यान से देखिए, बीच में एक डिवाइडर दिया हुआ है जिस पर टैबलेट हमारी होल्ड होती है फिर नीचे गिर जाती है। तो ये हमारा फ्रायबिलिटी अपरेटस था, बाकी आप लैब में देख सकते हैं, बाकी आपको ट्रेनिंग के टाइम पे देखने को मिल सकता है। आप गूगल पे भी सर्च करते हैं कर सकते हैं फैब्रेटर, रोशे फैब्रेटर, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज फ्रायबिलिटी के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया है और शायद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने लिख भी लिए होंगे फ्रायबिलिटी के बारे में। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ना चाहता हूँ आज फ्रायबिलिटी को लेकर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेल्यूएशन पैरामीटर है। तो वो क्वेश्चंस मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप उन्हें पढ़ेंगे, और कल अगर आपको आंसर नहीं मिलते हैं या आपको आंसर जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आपको क्या जानना है। मैं कल वाले वीडियो में उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दे दूंगा। ये याद रखिए, फ्रायबिलिटी जीपैट के लिए और इंटरव्यू के लिए दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डालकर अपनी कॉपी में डाल सकते हैं कि फ्रायबिलिटी के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। वैसे मैंने इंटरव्यू में जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं ज़्यादातर चीज़ें मैंने बता चुका हूँ आपको, और बाकी मैं आपको आज के लिए क्वेश्चंस देता हूँ चार इस होमवर्क। तो लेक्चर आपने लिया है तो होमवर्क भी लेना पड़ेगा और याद रखना जवाब भी देने पड़ेंगे। मैं पसंद नहीं करता जो पढ़ते नहीं हैं, मतलब कि यार सीख लो यार, ज़बरदस्ती नहीं पर सीख लो। मेरा ये आपको बताने का या पढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मुझे फिर से चीज़ें रिवाइज हों और आपको पता चले, क्योंकि भाई जब एक बार जॉब में जाता है ना कोई नहीं पढ़ता, तो मैं सिर्फ इसी बहाने से थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। हमें कोशिश तो करनी ही नहीं, छोड़नी ही नहीं है। आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा, मैं सीखता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा। और याद रखना बहुत ज़िद्दी टीचर हूँ मैं, अपने स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपको कल आंसर्स की उम्मीद करूँगा आपसे। अगर आप आंसर देंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यार आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में कुछ टाइप नहीं करते, मुझे पता ही नहीं चलता आप देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। व्यूज़ तो दिखाता है लेकिन
जो है कुछ भी कमेंट नहीं होते, तो मैं उम्मीद करूँगा आप कमेंट करेंगे। हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो डालता रहूँगा यार। मैंने बोला है ना डालूँगा तो डालूँगा। हाँ, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टैबलेट शैल बी टेकन फॉर चेकिंग फ्रायबिलिटी। हाउ मैनी टैबलेट शैल बी टेकन फॉर चेकिंग फ्रायबिलिटी। मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ, फ्रायबिलिटी चेक करने के लिए हमें कितनी टैबलेट लेनी पड़ती हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। आप नहीं भी पता है, आप गूगल पे सर्च करिए, किताब में सर्च करिए, आंसर खोजिए, कमेंट में डालिए, फिर भी आपको नहीं मिल रहा ना, मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊँगा फिर। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ यू विल मेज़र द वेट लॉस ड्यूरिंग फ्रायबिलिटी टेस्ट। मतलब कितनी परसेंटेज लॉस हुआ फ्रायबिलिटी के अकॉर्डिंग, आप कैसे मेज़र करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेट लॉस ड्यूरिंग फ्रायबिलिटी टेस्ट। तो आप सिंपली फॉर्मूला पढ़िए, लिखिए, भेज दीजिए। उसके बाद है, व्हाट इज़ द पास और फेल क्राइटेरिया फॉर फ्रायबिलिटी टेस्ट। मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि वो क्या लिमिट है जिसके थ्रू हम फ्रायबिलिटी टेस्ट को पास या फेल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कितनी एक्सेप्टेंस लिमिट है, तो आप अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आपने नहीं टाइप किया ना, तो इसका मतलब मैं समझूंगा आपने सुना ही नहीं और आपको कुछ आया ही नहीं, आपने कुछ सीखा ही नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, कोई मतलब नहीं, है ना। तो अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ रोटेशन यूज्ड फॉर फ्रायबिलिटी टेस्ट। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी मैं आपको लिए छोड़ चुका हूँ कि 25 RPM पर अगर हमारी रोटेशन कर रही है ना, और 100 रोटेशन तक हमें रोटेट कराना होता है, जो कि एक स्टैंडर्ड है, तो उसका टाइम कितना होता है। बट ये क्वेश्चन अलग है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ रोटेशन यूज्ड फॉर फ्रायबिलिटी टेस्ट। मतलब ये है कि आप कितने स्टैंडर्ड नंबर ऑफ टेस्ट स्टैंडर्ड नंबर ऑफ रोटेशन यूज़ करते हैं फ्रायबिलिटी चेक करने के लिए। आंसर अभी मैंने तो कुछ सेकंड पहले ही बताया है, उस लाइन में फिर आंसर है, तो आपको पता होगा कि हम स्टैंडर्ड कितने रोटेशन यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉल हाइट ऑफ द टैबलेट इन द फ्रायबिलेटर ड्यूरिंग फ्रायबिलिटी टेस्टिंग। मतलब कि जो हम फ्रायबिलेटर रोटेट कराते हैं, फ्रायबिलेटर रोटेट कराते हैं, तो उस पे से टैबलेट कितने हाइट पे से गिरती है वो आपको बताना है। मैं आपको बता चुका था, वो जो सिंथेटिक पॉलीमर का जो व्हील है उसमें एक डिवाइडर लगा हुआ है जहाँ पर टैबलेट आती है और नीचे गिरती है, तो वो उस जगह से लेकर नीचे तक की हाइट कितनी है, कितने से वो टैबलेट गिरती है। हाँ, मैं आपकी हैंड के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपको आसानी से समझ में, उसके लिए बता दूं कि उस पूरे व्हील का डायमीटर 12 इंच होता है। वो पूरे की जो डायमीटर होता है व्हील का, वो 12 इंच होता है। तो हाफ कितना होगा आपको पता होगा, क्योंकि वो टैबलेट हाफ पर से ही गिरती है, याद रखना, टैबलेट हाफ से गिरती है और डायमीटर पूरा 12 इंच होता है। तो हाफ से कितना होगा ये आप मुझे बताएंगे, बताएंगे, है ना। हाँ, तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आज के लिए क्वेश्चन इतने काफ़ी हैं। मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन ये दिए और 2-4 क्वेश्चन वीडियो के बीच में दिए। मुझे 6-7 क्वेश्चंस के आंसर्स की उम्मीद रहेगी। जो बच्चे जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जीपैट की तैयारी कर रहे हैं और जो इंडस्ट्री में मल्टीनेशनल कंपनी रेगुलेटरी कंपनी में जाने का ड्रीम देखते हैं, उनके लिए मेरा वीडियो या मेरी ये बातें इग्नोर करने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, कल जब आप जीपैट में बैठेंगे या फिर इंटरव्यू में बैठेंगे, आपके सामने यही क्वेश्चंस आएंगे, और उस समय आपको लगेगा, यार मैंने काश उस समय ध्यान दे लिया होता। मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, आपके करियर के लिए सब कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर मत करिए। और सारी चीज़ें जो मैंने इम्पोर्टेंट बताई हैं उन सबको लिख लीजिए, याद कर लीजिए,
आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मुझे लगेगा कि बच्चे सीख रहे हैं या मेरे जूनियर्स सीख रहे हैं या फार्मेसी के स्टूडेंट सीख रहे हैं, फार्म प्रोफेशनल रिवाइज़ कर रहे हैं, जो भी पुराने लोग हैं वो रिवाइज़ कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फार्मेसी में कभी भी किसी को बैठने के बाद ये सोचना पड़े, यार ये तो पता ही नहीं था, यार कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्राइबुलेटर मुझे पता है आपने बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, बट इसमें से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही। आज का हमारा टॉपिक था फ्राइबिलिटी एंड फ्राइबुलेटर। दिस इज़ द इवेल्युएशन पैरामीटर ऑफ टैबलेट। एंड मैं आपके कमेंट्स का, सब्सक्राइब का, लाइक का, शेयर का इंतज़ार करूँगा। शेयर कर दो यार, फार्मेसी के बच्चों के लिए शेयर कर दो, उनको बहुत बेनिफिट पहुँचेगा। अगर आप फार्मेसी के टीचर हैं तो मुझे लगता है एक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको फ्राइबिलिटी की बात बता दी। आप चाहें तो इस वीडियो के थ्रू फ्राइबिलेटर के बारे में समझा सकते हैं, आपके लैब में फ्राइबिलेटर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, कैच यू टुमारो। आंसर्स दे देना, मैं उम्मीद करूँगा आंसर्स आप देंगे। और अगर आपको नहीं आते हैं तो कोई डाउट की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं चिल्लाता नहीं हूँ, मैं टीचर थोड़ी हूँ यार, मैं मुझे क्या। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सीखें। आई वॉन्ट टू सी यू ग्रोइंग। ओके, बाय, टेक केयर। एक बात जाने से पहले ही मैं बता दूँ कि आप फार्मेसी पढ़ते पढ़ते करीब 4 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, है ना? तो भाई रिटर्न का टाइम आ गया है। रिटर्न कैसे मिलेगा? या तो जीपैट क्वालिफाई कर लो या मल्टीनेशनल कंपनी पकड़ लो, यार क्या करोगे? ये लाला कंपनियों के चक्कर में मत पड़ जाना भाई, मतलब प्राइवेट कंपनियों के चक्कर में मत पड़ जाना, बहुत दिक्कत देती हैं, खून चूस लगे खून। तो नॉलेज गेन करो, मल्टीनेशनल कंपनीज पकड़ो, अच्छी कंपनी पकड़ो, सीखने को भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, लाइफ बन जाएगी। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।